माना जाता है कि सरकारी जमीनें AMC की रिजर्वेशन प्लॉट की जमीनों पर अगर कोई अवैध कब्जा करता है, अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में टीना दरबार के ऊपर अभी तक AMC ने कोई कार्रवाई नहीं की है। टीना दरबार की अगर बात की जाए तो बड़ा ही रंगीला मिजाज है टीना दरबार का। टीना दरबार कई तरह के फोटो में आपको इस पूरी वीडियो में दिखाई देगा, कभी पुलिस की वर्दी में, कभी घोड़े पर, कभी लठ लेके, यानी कई रूप इसने टीना दरबार ने अपनाए हैं। लेकिन एक खौफनाक चेहरा भी है भू माफिया का। पिछले कई दिनों से टीना दरबार नाम के भू माफिया की कहानी हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। आपने पिछले कई वीडियोस में देखा होगा टीना दरबार के भू माफिया की काली कारस्तान। हम फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ये वीडियो है विवेकानंद एस्टेट का, जहां पर रिजर्वेशन की जगह पर भू माफिया टीना ने फिर से अपना अवैध निर्माण का कार्य शुरू किया है। ये पूरा मामला है विवेकानंद एस्टेट रिजर्वेशन प्लॉट TP61 का। इन सभी मामलों में टीना दरबार का ही नाम है। टीना दरबार ने कई ऐसे अवैध निर्माण, कई ऐसे रिजर्वेशन जगहों को कब्जा करके और उस पर अवैध निर्माण करके बेच दिया है। सवाल कई उठते हैं, क्या AMC अधिकारी टीना दरबार के साथ मिले हुए हैं या फिर टीना दरबार ने कोई मोटी रकम AMC अधिकारियों को दी है। इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम आपको बता दें, सरकारी रिजर्वेशन प्लॉट को भी, AMC प्लॉट को भी टीना दरबार ने नहीं छोड़ा। क्या AMC अधिकारियों ने अपना सरकारी जमीन बेचने का एक बड़ा नेटवर्क फैला रखा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है।